नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द लोन ट्रैकर में। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों हमेशा की तरह इस बार फिर हम वीडियो ले गए जिसके अंदर कि हम आपको सोलर से रिलेटेड जानकारी देने वाले हैं, जिससे कि आपके नॉलेज बढ़े के साथ अगर आप सोलर सिस्टम की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगी प्रॉपर जानकारी लेने में और डिसाइड करने में कि आपके लिए वो सिस्टम ठीक है या नहीं है और कौन सा सिस्टम आपके लिए ठीक है, कौन सा सिस्टम आप अपने घर पे लगवा सकते हो। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर जो हम कवर करने वाले हैं वो है हमारे बाईफेशियल पैनल, जो ग्लास टू ग्लास बाईफेशियल पैनल होते हैं जिनमें दोनों तरफ ग्लास मिलेगा, बीच में आपके सेल्स रहते हैं और 550 वाट के अंदर मोनो पर हाफ कट में बाईफेशियल में आपको पैनल मिलेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, अगर आप यहाँ साइड में देखोगे अभी कि यहाँ पे आप देख सकते हो पैनल हमारे बाईफेशियल लगे हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे पहले क्लाइंट के घर पे नॉर्मल वाले पैनल लगे थे जो उन्होंने 3 से 4 साल पहले लगवाए थे, जैसे आप देख सकते हो नीचे और इधर भी देख सकते हो। तो क्लाइंट अभी क्या हो रहा है, आपको पता है सोलर की फील्ड के अंदर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और उस कारण से अब नई नई टेक्नोलॉजी के पैनल आ रहे हैं। अब जो नई टेक्नोलॉजी के पैनल है वो स्पेस कम खाते हैं, साथ के साथ एफिशिएंसी उनकी ज़्यादा होती है। तो इस कारण से जो हमारी पुरानी वाली टेक्नोलॉजी है वो एब्सोल्यूट होती जा रही है दिन प्रतिदिन। और क्लाइंट जो हमारे जिस साइट पे हम हैं अभी, इस पर भी क्लाइंट यही चाहता था कि वो नए पैनल लगाए, नई टेक्नोलॉजी के पैनल लगाए, क्योंकि ये पैनल एक तो स्पेस ज़्यादा खा रहे थे, दूसरा जो उनके 3 साल में रिक्वायरमेंट बढ़ी है उसको वो कवर नहीं कर पा रहे थे। तो उस केस में अब इन जो पुराने पैनल थे उनके साथ में पुराने पैनल ही हमारे अटैच हो सकते थे, वही ज़्यादा एक्सटेंड होंगे। तो इस वजह से क्लाइंट ने बोला कि आप नई टेक्नोलॉजी के लिए लगाइए, और नई टेक्नोलॉजी के पैनल है उनकी कॉस्टिंग भी कम है पुरानी वाली से। तो इस कारण से अब यही पैनल लग रहे, आपको पता सारा आज साल सारा यही मोनो पर हाफ पैनल लगे हैं। यहाँ पे हमने साथ साथ बाईफेशियल पैनल भी लगा दिया है ताकि हमारे को कुछ एडिशनल प्रोडक्शन मिले, क्योंकि जैसे कि आप एंगल भी देख सकते हो स्ट्रक्चर का कितना कम इसमें स्ट्रक एंगल दिया हुआ है, 15 डिग्री के आसपास का एंगल है। साथ के साथ जो नीचे का सरफेस है वो भी थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव है, ज़्यादा नहीं है थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव है। तो इस कारण से कुछ ना कुछ एडिशनल प्रोडक्शन क्लाइंट को मिलने वाली है। तो हमने यहाँ पे वो पैनल लगाया दोस्तों, अगर मैं पैनल की बात करूँ तो 550 वाट के पैनल है जो कि लिव फास्ट कंपनी के हैं, मोनो बाईफेशियल पैनल है ये, और इसमें दोनों तरफ से आपको प्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। अगर मैं बस बार की बात करूँ तो इस पैनल के अंदर 10 बस बार है और हर एक सेल को हाफ में डिवाइड किया गया, तो इस वजह से हाफ कट पैनल है। अब दोस्तों आप देख सकते हो पहले जो यहाँ पे हमारे पैनल लगे हुए थे टोटल, यहाँ पे हमारे एक रो के अंदर 6 पैनल थे, जो पुराने पैनल की बात करूँ 335 वाट के, एक रो में 6 पैनल थे, 6 × 6 = 12, 6 × 3 = 18, 18 पैनल 3 रो में थे, उसके बाद एक रो और थी उसमें 3 पैनल और थे, और वो टोटल मिलके बनते थे हमारे 6 किलोवाट के पैनल। पर हमने उन पैनल को उतारा और फिर उसके बाद हमने टोटल 5 पैनल लगाए, एक रो में 5 पैनल आते हैं हमारे 550 वाट के, टोटल हमारे यहाँ पे 10 पैनल हो जाते हैं। इन 10 पैनल की अगर मैं बात करूँ तो 550 वाट 5.5 किलोवाट के करीब हमारा ये सिस्टम बन जाता है। साथ ही साथ क्लाइंट की एक और रिक्वायरमेंट है, वैसे तो मोस्टली आजकल लाइट पावर कट बहुत ही कम हो गया, बिजली कम जाती है बहुत ही, पर उसके बावजूद भी अगर थोड़ी बहुत देर के लिए बिजली जाती है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोई फॉल्ट आ जाता है बड़ा और उस कारण से पूरे दिन लाइट नहीं आ पाती है, तो उस टाइम पर थोड़ी पावर कट की प्रॉब्लम ज़्यादा झेलनी पड़ती है। हमारा ऑन ग्रिड पावर प्लांट उस टाइम पर वर्क नहीं करता है, वहाँ पर हमारा क्लाइंट ने एक अभी फिलहाल उनका ऑफ ग्रिड का इन्वर्टर लगा हुआ है, पर ये सोलर का नहीं है, नॉर्मल वाला इन्वर्टर है जैसे कि आप वहाँ पे देख सकते हो, ल्यूमिनस कंपनी का इन्वर्टर है हमारा। तो यहाँ पे जो क्लाइंट है वो अपना दूसरा इन्वर्टर लगाएंगे, UTL का इन्वर्टर हम उनको दे रहे हैं और UTL का सोलर वाला इन्वर्टर लगाएंगे। और जैसे कि आपने ऊपर देखा, अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था, हमने 3 पैनल जो इनके पुराने 3 पैनल थे वो सेम पैनल हमने उसी के अंदर एडजस्ट कर दिए है। इन 3 पैनल को हम ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर देने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये वही 335 वाट के पुराने पैनल है। तो दोस्तों इससे फायदा ये रहेगा क्लाइंट को कि ये तो सिस्टम आपको ऑन ग्रिड में काम करेगा, पर कभी ऐसा हो जाता है कि पावर कट लग जाता है लंबा और लाइट नहीं आती है, तो उस केस के अंदर ये 3 पैनल हमारे ऑफ ग्रिड इन्वर्टर को सप्लाई देके, और जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, जो भी जैसे 2 किलोवाट का इन्वर्टर है उसके अंदर आपका जैसे फ्रीज हो गया, कूलर हो गया, या उसके अलावा आपकी चिमनी हो गई, वाटर फिल्टर हो गया, टुल्लू पंप हो गया, वो अच्छी तरह चला सकते हो, तो उसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला है। और रही बात हमारे इन पुराने पैनल की, तो दोस्तों ये पैनल देखेंगे हम इनको उठा के लेके जाएंगे, और अगर कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसको पुराने पैनल की रिक्वायरमेंट है तो उनको ये पैनल हम सप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम हमारे सोलर पैनल को देख लेते हैं, आप इसको नीचे से देख सकते हो। तो जैसे कि बाईफेशियल पैनल है दोस्तों, तो इसमें आपको कोई भी स्टिकर देखने को नहीं मिलेगा, हाँ साथ में अगर एक आता कोई स्टिकर ऐसे लगा हुआ आता है तो उसको उतार दिया जाएगा, हम इसको ऐसे करके उतार देंगे यहाँ से, तो इसको ऐसे करके उतार दिया जाएगा, क्योंकि आप इसे भी कारण जानते हो अगर कुछ भी बैक साइड में इसके मान लो स्टिकर वगैरह लगा रहेगा तो उस केस के अंदर प्रोडक्शन हमारी घट जाती है, क्योंकि ये बाईफेशियल पैनल है तो इनके अंदर बैक साइड में स्टिकर आपको नहीं मिलते हैं। अगर मैं कनेक्टर्स की बात करूँ तो पुराने पैनल के अंदर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो जो कनेक्टर्स होते थे वो एक डायरेक्शन में आते थे और काफ़ी लंबे कनेक्टर्स रहते थे, पर अब
अब जो नए पैनल आ रहे हैं उन्हें पैनल के अंदर आप देखते हो जो हमारे कनेक्टर है वो साथ साइड में कर दिए गए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से इनकी वायर कर दी गई है, और कनेक्टर के जो जंक्शन बॉक्स है उनको भी काफ़ी छोटा बना दिया गया ताकि इसे सेंटर में ही रहे, प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो इसमें चेंज कर दिया गया है। आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, स्ट्रक्चर जो था हमने एज इट इज ही रखा है, पर हमने इसके अंदर एक एडिशनल काम और करके दिया है। आमतौर पर जो पहले पैनल लगते थे या और भी बंदे जैसे सोलर में काम करते हैं और वो पैनल लगाते हैं, तो मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा जो पर्लिन रहती है आजकल जो बड़े पैनल आ रहे हैं 550 वाट के, उनके नीचे सिर्फ दो ही पर्लिन डाली जाती है। पर दोस्तों हम ऐसा नहीं करते हैं, हम आपको प्रॉपर तीन पर्लिन ही डाल के देंगे, एक पर्लिन एक्स्ट्रा लगेगी उसके हम आपसे आपको बोल के पैसे आपसे ले लेंगे एक्स्ट्रा, पर आपका जो काम रहेगा वो बिल्कुल आपको सेफ्टी के साथ करके देंगे, प्रॉपर काम करके देंगे। ये नहीं होगा कि कॉस्ट कटिंग के चक्कर के अंदर एक पर्लिन हटा दी और दो पर्लिन पर लगा के आपका सिस्टम खड़ा कर दिया, नहीं दोस्तों प्रॉपर उसके अंदर आपको सपोर्ट दिया जाएगा, पैनल को प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा। कल को अगर आंधी तूफान हवा कुछ भी प्रेशर बनता है तो तीन पर्लिन इसको बिल्कुल भी बैंड नहीं होने देंगे, ना आपका पैनल कहीं जाने वाला है, तो यहाँ पे अच्छी तरह काम करने वाला है। उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया, आजकल आपको पता है सारे के सारे इन्वर्टर आजकल जो इन्वर्टर आ रहे हैं सिंगल एमपीपीटी के अंदर आने लग रहे हैं, ड्यूल एमपीपीटी के इन्वर्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं सिंगल फेज के अंदर, बहुत ही किसी किसी कंपनी का जो ड्यूल एमपीपीटी में आता, बाकी जो नए मॉडल आ रहे हैं सारे के सारे सिंगल एमपीपीटी के अंदर आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर सेम वही करने वाले हैं, हम इसकी जो पहले जो स्ट्रिंग थी वो दो स्ट्रिंग गई हुई थी, इसमें 12 पैनल की एक थी और बाकी रिमेनिंग पैनल की एक स्ट्रिंग गई हुई थी, 32 पैनल के करीब थे टोटल। यहाँ पे हम हमारे 10 पैनल की एक सिंगल स्ट्रिंग बनाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से हमारे जो क्रैम्पिंग है वो की जा रही है, क्रैम्प के साथ इसको लगा के क्लैम्प इसमें लगाएंगे हम कनेक्टर, और पॉजिटिव नेगेटिव का हम यहाँ पे कनेक्शन करके उसके बाद ये सप्लाई यहाँ से जाएगी, और आप अंदर देख पाओगे अगर देख सकते हो आप अंदर, तो यहाँ पे हमारा ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा हुआ है। तो दोस्तों ये पीवी इन्वर्टर लगा हुआ है, ग्रो वाट कंपनी का इन्वर्टर है, इसके अंदर एक सिंगल स्ट्रिंग दी जाएगी, और जैसे कि सिस्टम 4-5 साल पहले लगा था तो उस टाइम पे क्या था दोस्तों, जैसे हमारा जो एसी डीबी बॉक्स है उसका डब्बा गुम हो चुका है क्लाइंट से, डीसी डीबी टूट गया है, तो इन सारी चीज़ों को हम आज प्रॉपर करके देंगे इनको सारा का सारा, सारा इसको दोबारा से एकदम बिल्कुल न्यू बना के और वर्किंग के अंदर हम इसको क्लाइंट को देने वाले हैं, जिससे कि उनकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, जो एफिशिएंसी उनकी घट गई तो एफिशिएंसी भी रिकवर हो जाएगी, और जैसे कि सर्दी आ रही है तो आपको पता ही है इस टाइम पे तो यूजेज कम ही रहेगा, तो उनका बिजली का बिल आने वाला नहीं है, पर अगले साल भी हम इसको ट्रैक करेंगे कि अगर उनका अगर बिजली का बिल आता है तो जो यहाँ पे आपको स्पेस देख सकते हो खाली स्पेस पड़ा हुआ है, इसके अंदर भी हम 5 पैनल और लगा देंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इन्वर्टर को और बढ़ा देंगे, स्ट्रक्चर को और बढ़ाया जा सकता है। और दोस्तों अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो स्ट्रक्चर भी पहले हमने ही लगाया था, और आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हो जी आई का प्रॉपर स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को खड़े हुए लगभग 4 साल हो चुके हैं, अगर मैं बात करूं 2020 के करीब ये स्ट्रक्चर लगा था, तो आप देख सकते हो स्ट्रक्चर पे बिल्कुल भी कोई जंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल ये देखिए ये स्टिकर तो वैसे लगा हुआ इसके ऊपर लूम सोलर का, पर ये स्ट्रक्चर आप जीआई का स्ट्रक्चर देख सकते हो, कहीं भी कोई जंग नाम की चीज़ नहीं है। हाँ अगर जंग लगता है तो मोस्टली ऐसी जगह पर लगता है जहाँ पर कटिंग हो या फिर इनके नट बोल्ट में जंग लग जाता है, क्योंकि इससे उस जब उसको टाइट करते हो उससे वहाँ पे कोटिंग खत्म हो जाती है, तो जैसे यहाँ पे नट पे जंग लगा हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो नट पे जंग लगा हुआ है, और साथ ही साथ दोस्तों क्लैम्प्स पे भी नट लग जाता है, तो इन क्लैम्प्स के ऊपर हम जिंक की कोटिंग करने वाले हैं, स्प्रे आता है जिंक का, वो स्प्रे मारेंगे हम जिंक के ऊपर, नट के ऊपर जिंक का स्प्रे मारेंगे ताकि इनकी लाइफ दोबारा से इंक्रीज हो सके और रस्टिंग की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है लगभग 25 साल तक कहीं नहीं जाने वाला है, उसके अलावा जो जो ऑन ग्रिड के अंदर रिक्वायरमेंट है जैसे आपकी अर्थिंग होगी, लाइटनिंग अरेस्टर हो गया, वो सारा प्रॉपर यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, अर्थिंग भी गई हुई है वहाँ से, लाइटनिंग अरेस्टर भी हमने लगाया हुआ है, तो सारा प्रॉपरली काम यहाँ पे किया गया है, और ये सिस्टम अब काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।